जय श्री रानी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल अंगरूप पे। और आज आपके स्पैम को मैं एनालाइज करेंगे और आपके बेस्ट फल के बारे में जानेंगे। आप गर्ल हैं, अभी आपके करेंट एज 25 ईयर्स है, आप राइट हैंडेड पर्सन है। स्टार्ट करेंगे आपके लेफ्ट पाम से, इसके पश्चात आपके दाहिने हथेली में जाएंगे और वहां से करंट सिचुएशन को जानेंगे। लेफ्ट पाम डेस्टिनी के बारे में बताती है अगर आप राइट हैंडेड हो। अगर आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन हो तो आपकी राइट हैंड आपकी डेस्टिनी के बारे में बताएगी, और जो आपका वर्किंग हैंड है वो आपकी करंट सिचुएशन को बताती है। स्टार्ट करेंगे आपके मणिमंत्र की रेखाओं से, किस प्रकार की है और कैसे आपके लिए बेहतर कार्य कर रही है। सर्वप्रथम मणिमंत्र की रेखा बेहतर गति से अपने पथ की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इनकी स्थिति जिसे हम काफ़ी बेहतर कर सकते हैं वैसी बेहतर नहीं है। द्वितीय रेखा बिल्कुल भी बेहतर गति से आगे की तरफ नहीं बढ़ रही है और काफ़ी छिन्न भिन्न होकर टूटी अवस्था में मौजूद है, खंडर की तरह। इसके अलावा तृतीय रेखा जंजीराकार अवस्था में हथेली में मौजूद है और अपने गंतव्य की तरह सने सने आगे की तरफ बढ़ रही है। क्या पता चलता है प्रथम रेखा से? ये जीवन शक्ति की स्थिति को बताती है। जीवन में आपके आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, किस पोजीशन में आप रहने वाले हो, ओवरऑल लाइफ के बारे में आपको बताती है। ये परिस्थितियाँ आपके जीवन में जो जो आपकी उम्र बढ़ेगी त्यों तो ये बेहतर से बेहतर गति की तरफ आगे की तरफ उन्मुख हो रही है और बेहतर है। इसके अलावा द्वितीय बात करेंगे आपसे धन से संबंधित चीज़ों के बारे में। तो धन आपके जीवन में है, पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन थोड़े टुकड़ों में है और सही तरीके से उनका आपके जीवन में उसका लाभ मिल पाना यहाँ पे प्रथम दृष्टया मुश्किल नजर आता है। इसके अलावा तृतीय सुख की बात करेंगे तो सुख की स्थिति आपके जीवन में है। आपकी जो जीवन शक्ति और सुख, इन दोनों का एक तरीके से समावेश है और जीवन में सुख की स्थिति काफ़ी बेहतर है। इवन कि अभी तक की जो सिचुएशन थी और नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स उसके बाद का टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर है और बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा चतुर्थ रेखा की जो स्थिति है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। एक तरीके से बस समझ ले कि उनकी उपस्थिति जैसी झलक मिल रही है, लेकिन उससे ज़्यादा इनका कुछ नहीं है। तो इससे क्या होगा कि लोगों के लिए करना और समाज के लिए कुछ करने की ललक आप में होगी, लेकिन उस तरीके से आप कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। अब ऊपर की तरफ चलते हैं और पर्वत क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। पर्वत क्षेत्रों में सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु के इस पर्वत क्षेत्र की कैसी है और आपके लिए क्या कार्य कर रही है। गुरु पर्वत क्षेत्र बहुत ही प्रबल, बहुत ही बेहतर और काफ़ी अच्छी स्थिति में आपकी हथेली में मौजूद है। ये पूरे जीवन का प्रतिनिधित्व तो आपका कर रही है, इस कारण आपके जीवन में एक बेहतर गति और बेहतर दिशा दशा देने को एक तरीके से आप समझ लें कि ये मजबूर है, ये आपको देगी ही देगी और बेहतर स्थिति की तरफ आपको लेके जाएगी ही जाएगी। खासकर सामाजिक तौर पर और प्रशासनिक क्षेत्रों में आपके लिए एक बेहतर कार्य एक करने वाली है। आर्थिक तौर पे उन्नति का भी आपके लिए कारण बनने वाली है और समाज में मान सम्मान का भी कारण ये आपके लिए बनने वाली है। दूसरी बात करेंगे आपके शनि के क्षेत्र की। शनि आपके लिए दोषयुक्त है और आपके कुंडली में कहीं ना कहीं शनि से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपके साथ चल ही रही होंगी। और इनकी परेशानी चलने के कारण क्या है, ये स्वास्थ्य से संबंधित आपको समस्या जब आपका जन्म हुआ होगा तब से ही आपके जीवन में ये लेके आई है और आपके साथ साथ चल रही है। इसके अलावा मानसिक तौर पे संताप की स्थिति को ये आपके लिए पैदा करती है, यानी कि स्ट्रेस और एंजाइटी को पैदा करती है टाइम टू टाइम पे। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ है कि मतलब समझ लो बैठे हुए हो ना तो ढेर सारी चिंताएं आ गई, फिर छोटी सी कहीं खुशियाँ नजर आई तो खुश हो गए, ठीक है, और फिर जैसे ही अकेले हुए फिर से हमारे लिए मुश्किलें वैसे ही आने लगी, ठीक है। निराशा बहुत जल्दी, निराशा और आशा दोनों आसपास ही मंडराती होती है। जैसे उसे मौका मिलता है आप पे वो हावी हो जाता है और आप चाह के भी उसे खुद से जुदा नहीं कर पाते। ये स्थिति आपके लिए कतई भी अच्छी नहीं है, इस पे आपको खुद से कंट्रोल करना है और आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपके सन इस माउंट की, सन की क्या पोजिशन है। देखो सन आपके लिए ओवरऑल पूरे लाइफ के लिए बात करें तो है तो आपको देने वाला बड़ी जिम्मेदारियाँ, अच्छी खासी जिम्मेदारियाँ देने वाला है, दायित्व तो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन साथ ही स्ट्रेस को भी बढ़ा रहा है और कुछ मुश्किलों को भी साथ में खड़ा करके ला रहा है। यानी कि सावधानी के साथ आगे बढ़ना आपकी नियति में है और आपको ऐसे ही अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आपके आसपास इन इमेज कुछ मंडराते होंगे जो कि हावी होना चाहेंगे आपके ऊपर। तो बहुत ही पैनी निगाह आपको अपने चारों तरफ बना के रखनी है और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। आपका एक सवाल था प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित, क्या मैं उसके लिए आगे बढ़ सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप प्रशासनिक सेवाओं के लिए कार्य करें। ग्रुप ए के लिए तो मैं यहाँ पे आपको
मुश्किल परिस्थितियां नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन आप ग्रुप बी के लिए और स्टेट लेवल के आप अगर कुछ एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं तो उसमें आपके लिए 100% सफलता के यहाँ पे योग उपस्थित हो रहे हैं। इसके अलावा आपके बुद्धि की बात करेंगे, देखो साक्षर हो आप काफी, मतलब इन द सेंस कि काफी अच्छे पढ़े लिखे हो आप, काफी आप में हुनर है, लेकिन तालमेल का अभाव है और सही समय पर सही चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाने की क्षमता जो आपकी है ना वो प्रभावित हो रही है। बुद्धि और विवेक के बीच का जो एक सामंजस्य होता है ना वो कहीं ना कहीं उसकी कड़ी कमजोर पड़ रही है, ठीक है। चीजें हम जानते हैं लेकिन उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, समय पर वो हमारे काम आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। हम अपनी संवेदनाओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारे जज्बात और वस्तु स्थिति इसके बीच हम कितना अंतर कर पा रहे हैं, इन चीजों को हम कैसे समझ पा रहे हैं, हमारे जज्बात हम पे हावी हो रहे हैं या जो रियलिटी है जो वास्तविकता है हम उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं, आवश्यक क्या है और सही क्या है, इसे जब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे आपके लिए चीजें इसी प्रकार से मुश्किल लगती रहेंगी, ठीक है। चलो ऊपर मंगल की बात करें, मंगल की दशा कैसी है, मंगल यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल को बढ़ा रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके साहस पर एटाका डाल रहा है, मतलब जो आपका साहस होना चाहिए, जिस तरीके से जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास नॉलेज है और जिस तरीके से उसे आगे बढ़ना चाहिए, जो आप डिजर्व करती हैं उसको आप तक ये नहीं पहुंचने दे रहा है, और इसके लिए एकमात्र अगर कोई दोषी है तो निश्चित तौर पे आपकी वो सोच जो कि आपको औरों से कम आंकती है, जबकि आप में और किसी से भी ज्यादा क्षमता है, जो भी आपके आसपास मौजूद होंगे उन सबसे ज्यादा। लेकिन ये बस आपके मानने के ऊपर है कि आप कब इन चीजों को मान लेती है कि हाँ ये चीज है और मैं इसे इसी तरीके से लूंगी और अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगी। जिस दिन आपने मान लिया चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। इसने एक तरीके से शैडो की तरह, छाया की तरह आपके ऊपर ना एक छाया बना के रखी है, बादल की तरह घेर के रखा है, आपको देखने नहीं दे रही है उस पर आपके लिए क्या है, आप क्या हो, आपको धुंध को छांट के खुद को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ढूंढ लो आपको पता चल जाएगा आप क्या हो, ये आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि ये वाणी संबंधित विकार भी आपके लिए यहाँ पे पैदा कर रहे हैं। दूसरे मंगल की स्थिति सामान्य है, इनके साथ सहयोग कर रहा है लेकिन फिर भी ये सामान्य है। अब बात करेंगे आपके वीनस यानी कि शुक्र के इस क्षेत्र की कैसा है। देखो शुक्र का क्षेत्र काफी अच्छा है, बेहतर है, ठीक है। आपके जो भी घर के गार्जियन है, माता पिता और भाई वगैरह सबकी तरफ से आपके जीवन में काफी सहयोग है, अच्छा खासा सहयोग आपको हमेशा प्राप्त होता रहेगा। पिता की तरफ से खासकर आर्थिक स्थिति भी आपके लिए बेहतर बनी रहेगी और घर परिवार में काफी ज्यादा प्यार प्रेम की स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। आप वैसे भी बाई बर्थ लक्की हो खासकर अपने परिवार के लिए, क्योंकि आपके जन्म के साथ बहुत सारी खुशियां आपके घर में आई होंगी, ठीक है, और आगे भी आप उनके लिए उसी प्रकार से आप रहने वाले हो। इसके अलावा आप अपने जीवन में खुद की कमाई से आपकी जब भी, अभी आपकी 25 एज है, 25-26 आपका भाग्योदय का उम्र बिल्कुल नज़दीक है, इवन कि यही वर्ष है जिसमें आप भाग्योदय का वर्ष आपका चल ही रहा है अभी आपको अगले वर्ष से, और इसके साथ ही इवन कि नवम्बर और दिसंबर से आपको इसके अच्छे नतीजे मिलने आपके जीवन में शुरू भी हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 26, 27, 28, 29, 29 का वो आपकी एज है, 29 to 31, जिस समय आप अपने जीवन के सबसे पिक लेवल पे, सबसे बेहतर गोल्डन पीरियड की तरफ आप चल रहे होंगे, उसमें जी रहे होंगे और जीवन में जो भी ख्वाहिशें होती हैं वो सारी चीज़ें आप पूरी करने की स्थिति में होंगे, और शुक्र की तरफ से आपको उसी तरीके की मदद उस समय आपको प्राप्त हो रही है। दूसरी बात करेंगे आपके चंद्र के इस क्षेत्र की, यहाँ की स्थिति कैसी है, अत्यधिक अशांत है, बहुत ज़्यादा अशांत है, ठीक है। और जब यह अशांत होता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम खुद को कम आंक रहे हैं और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से हम कमजोर होते चले जा रहे हैं, और मैंने स्टार्टिंग से बताई है कि आपकी सबसे बड़ी भूल होगी अगर ऐसा कुछ भी आप सोचते हो खुद के बारे में, तो बिकॉज आपके पास जितना स्टेमिना है, आपके पास जितना नॉलेज है, जितना जितनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, सब कुछ आपके अंदर जो ऊर्जा है आप उसे बस समझो, उसे मान लो, फिर आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ है लेकिन माइंड एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो बार बार अपना अपनी जगह वो बदल रहा है, ठीक है।
और ये जितना आप उसे बदलने दे रहे हो आपके लिए उतनी ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है। तो उसे स्टेबल कर दो, रोक दो कि भैया हो गया नो एंट्री, अब आपको बस बाहर के क्षेत्रों में जाना ही नहीं है, आपको यहाँ पे रहना है, इस तरीके से रहना है और जैसे मैं कहूँगी वैसे रहना है, ठीक है। उसे आदत डाल दोगे ना फिर आपको पता चलेगा वो रहने लगेगा। अभी मान लो मेरा मन हो रहा है ना कि मैं बैठा हूँ घर में और मेरा मन हो रहा है नहीं मुझे आइसक्रीम खानी चाहिए, ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अब मैं उसके बारे में सोचने लगूंगा ना, वो जाने लगेगा उस तरफ, अरे हाँ अरे वो आइसक्रीम, वो आइसक्रीम, वो स्टॉल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर मैंने बोल दिया नहीं बेटा ऐसा है कि तुझे कहीं नहीं जाना, यहीं पे बैठ के रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा धीरे धीरे उसे आदत हो जाएगी, ठीक है, फिर वो कहीं नहीं जाएगा। हाँ हम उसे दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा हो या जो हम चाहते हो, ठीक है। अब करके देखना, बहुत ही सिंपल है। इवन कि मैं तो बताता हूँ ना कि दुनिया में जितनी प्रॉब्लम है ना हमारे बीच, लोगों के बीच दुनिया में, आप इन सारी चीज़ों का ना इतना अच्छा और नॉर्मल सॉल्यूशन, बिल्कुल आसान सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद होता है, लेकिन उस नज़रिए से उन्हें हम देखते ही नहीं। और हमारा नज़रिया पूछो मत, जितने गलत तरीके हैं और जितने महंगे और मुश्किल तरीके हैं उन सारे तरीकों को ढूंढ लेता है, लेकिन जो आसान है उसे नहीं देखता। जैसे कहावत है बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा, उसी तरीके की कहानी है इसकी, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे दो छाया गुरु की। छाया गुरु में सबसे पहले आपके राहु के इस क्षेत्र की कैसी है। देखो राहु ने तो धमाल मचा रखे हुए हैं आपके इस हाथों पे, ठीक है। इस क्षेत्र में देखोगे आप तो सबसे पहले एक वर्ग का चिन्ह यहाँ पे बनते बनते रह गया, ठीक है। दूसरे वर्ग की स्थिति यहाँ पे आते आते रह गई, क्योंकि इसने इन दोनों के बीच के क्षेत्रों को आपस में अलग किया है और दो आइसलैंड की स्थिति यहाँ पे और वर्ग की स्थिति एक साथ आपके लिए संयुक्त रूप से बना रही है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि ये दूसरा भाग इनका यहाँ पे खुला रह गया, इस कारण चीजों को क्या होता है कि लेके आते हैं, यानी कि ये मस्तिष्क रेखा पे है, ठीक है। इसे देखो गौर से, ये मस्तिष्क रेखा पे है, ये आपके लिए सही रास्ता दर्शाती है, लेकिन ये यहाँ पे खुल जाने से क्या होता है कि भ्रम का शिकार बना देती है आपको, एक भ्रम की स्थिति में कन्फ्यूज कर देती है कि नहीं वो चीजें होगी या नहीं होगी, शायद होंगी। अगर मैं एक ही चीज बार बार पूछ लूं कि नहीं बताओ ये वही होगा, आपके आपके कंट्री का नाम इंडिया है, हाँ इंडिया, इंडिया ही है, सच में इंडिया, अरे सच में इंडिया, तुम ऐसा बोलो, फिर अपना मन में एक आ जाएगा कन्फ्यूजन, अरे यार इंडिया ही है सच में क्या, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन आ जाती है, तो इससे आपको यहाँ पे बचना चाहिए, ठीक है। और यही आपके लिए पैदा कर रहे हैं, यानी कि मुश्किलें हैं नहीं लेकिन डरा रहे हैं। दूसरी बात करेंगे आपके केतु के क्षेत्र की, ये अच्छा खासा है, शांति से बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे और रेखाओं के बारे में। रेखाओं में सबसे पहले हृदय रेखा की बात कर ले। हृदय रेखा की तो अच्छी खासी स्थिति है, काफ़ी प्रेम युक्त इंसान हो आप, जीवन में काफ़ी प्रेम है, बहुत ही खुले विचारों के, इन द सेंस की मतलब खुली किताब हो, ठीक है। मन में कुछ राग द्वेष पाप वगैरह जैसी चीज़ें आपके नहीं होती, जो भी होता है बस सामने होता है, सबको खुशियाँ देना और सामने से बदले में उतनी ही खुशियाँ मुझे भी मिल जाए, ठीक है। और ज़िंदगी को जितना आसान बना के रख सको उतना बना के रखो, जितना दूसरों के काम आ सको उतना काम करके आना है, ठीक है। ऐसी सारी भावनाएं आपके अंदर भरी पड़ी है। इसके अलावा कुछ महत्वाकांक्षाएं भी आपकी अत्यधिक हैं, यानी कि जीवन में एक विशेष पद और विशेष स्थिति तक प्राप्त होने की, ठीक है। इसलिए जीवन में सत्य प्रेम करुणा की स्थिति आपके लिए यहाँ पर अच्छी खासी बन पड़ी है। दूसरी बात करेंगे आपके मस्तिष्क रेखा की स्थिति की, इसमें बहुत सारे झोल हैं, ठीक है, और ये कहीं एक जगह पे स्थिर रहने का नाम नहीं ले रही है, और इनका स्थिर न होना आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी कुछ ऐसे फैसले ले लेती है जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए मुश्किल का कारण बनते चले जा रहे हैं और बाद में आपको पछतावा होता है कि उफ क्यों क्यों आखिर मैंने किया क्यों, ठीक है। तो इनसे आपको बचना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को करने से पहले थोड़ा सा ब्लूप्रिंट आप तैयार कर ले, चीज़ों का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट सोच ले, ठीक है। बिकॉज क्या होता है जब हम कुछ अच्छा सोचेंगे ना तो उस समय जो भी चीज़ें हम सोचेंगे, अरे फलाना हमें करना है, ये बिजनेस हमें करनी है, ये काम हमें करना है, ठीक है। तो क्या होगा जितने भी उसके पॉजिटिव पॉइंट है ना सिर्फ वही वेव्स हमारे आसपास आएंगे, ठीक है। हम निगेटिव नहीं सोच पाते उस समय, नहीं ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा, और जब हम उसे फाइनली कर लेते हैं तो उसके नेगेटिव जो चीज़ें हैं ना सबसे पहले वही आती है हमारे सामने दौड़ के, ठीक है। और तब हमें पता चलता है हे भगवान क्या कर लिया यार मैंने, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें कुछ भी करना हो ना तो पॉजिटिव तो जरूर सोचो, क्योंकि साहस आपको चाहिए, ठीक है, लेकिन निगेटिव भी बराबर में सोचो,
कि आखिर बैकअप प्लान हमारा क्या है, कैसे उन जो निगेटिव चीज़ें उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या सीखो दूसरों से। ठीक है, दुनिया में दो तीन प्रकार के खास लोग होते हैं। एक होते हैं जो कि दूसरा गिरा ना तो दूसरे के गिरने से समझ जाते हैं कि अरे वो ऐसा करके गिर गया तो हम वैसे करेंगे नहीं कि गिरेंगे। कुछ होते हैं ठोकर लगती है समझ जाते हैं, अरे यार अभी मैं गिर सकता था। और कुछ होते हैं ना जब तक लगेगी नहीं, जब तक गिरेंगे नहीं तो तक मानेंगे ही नहीं। ठीक है, तो तीसरे किस्म के मत बनियो कभी। दूसरों को देख के सचेत हो जाना ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा है, अब नीचे की तरफ जाते हैं और आपके कुछ और लाइंस को देखते हैं। लाइंस में सबसे पहले आप बात करेंगे आपके इस क्षेत्र की जो कि भाग्य रेखा की स्थिति है। ठीक है, और भाग्य रेखा की स्थिति में आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। पिता का और माता का दोनों के संस्कार बराबर आपको यहाँ पे प्राप्त हुए हैं और आपको काफ़ी बेहतर स्थिति तक आगे की तरफ लेके चलते चले जा रहे हैं। सबकी तरफ से समर्थन और प्रेम की एक ऐसी गंगा आपके लिए बही है जो कि आपको बेहतर किनारा दिलाएगी। ठीक है, विदेश यात्रा के भी योग आपके उसी तरीके से बन रहे हैं। इसके अलावा आप अगर इन फ्यूचर चाहो तो वाणिज्य के क्षेत्र में, इसके अलावा आप कुछ और बिजनेस और फॉरेन में अगर आप चाहेंगे तो वहाँ भी आपके लिए बेहतर अवसर मौजूद है। जो कि मैंने आपको बताया ना, आपका एक खास पीरियड 29 to 31 ये ऐसा समय रहेगा जिस समय आपके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी उस एक खास समय में मौजूद होगी। मौजूद तो अभी से होना शुरू हो जाएंगे लेकिन उस खास समय में ट्रैफिक होगा आपके पास। ठीक है, तो उन चीज़ों में आप सेलेक्ट कर सकती हैं चीज़ों को। एक मत्स्य रेखा की स्थिति यहाँ पर मौजूद हो रही थी लेकिन ये दुर्भाग्यवश बेहतर स्थिति को ये प्राप्त नहीं कर पाई हैं और पूर्ण रूप से अपना निर्माण नहीं कर पाई हैं, इसलिए चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पे उस तरीके के सुफल देने में असमर्थ है। ठीक है, अब चलो आपकी दयनीय हथेली में चलते हैं और वहाँ से जानते हैं और चीज़ों को। दयनीय हथेली में सबसे पहले हम चले जाते हैं, हाँ, मणिबंध की रेखाओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक बात जरूरी बात जो कि आपके लेफ्ट फॉर्म में भी मुझे कहनी थी उसे अभी कह देता हूँ। ठीक है, लोगों पे भरोसा समझ के करना। ठीक है, बहुत समझ के, खासकर विपरीत लिंग के प्रति जो भी भरोसा हो ना उसे आपको अत्यधिक उसमें सावधानी बरतनी है, अत्यधिक सावधानी बरतनी है क्योंकि वहां से चीजें आपके लिए गलत आ रही हैं, तो आपको थोड़ा संभल के उसमें रहने की आवश्यकता है। मणिबंध की रेखा की स्थिति यहाँ पे काम चला हुआ है। ठीक है, चलो ऊपर के क्षेत्रों में चलते हैं और जो पर्वत क्षेत्रों की स्थिति है उनका आकलन करते हैं। हाँ जी, गुरु यानी कि जुपिटर की कैसी सिचुएशन है अभी? आप कुछ एक्स्ट्रा दबाव लेके चल रहे हो क्या जीवन में कि हाँ किसी को करके दिखाना है या किसी की अपेक्षाओं पे खरा उतरना है? ठीक है, क्योंकि अत्यधिक दबाव आपके सीधे डायरेक्ट नजर आ रही है कि आप बहुत दबाव में जी रहे हो और ये दबाव आपको पीछे की तरफ लेके चला जा रहा है। ठीक है, थोड़े से लापरवाह हो जाओ जिंदगी में ना, हमेशा एक जैसे मत जियो कि हाँ मुझे इतना बर्डन लेके चलना है, कभी नहीं। एकदम बेफिक्र, लापरवाह बेपरवाह होके जीना चाहिए क्योंकि उस समय सारी चीजें आ जाती हैं। अब जितना डरोगे ना चीजें उतनी ज्यादा आपसे दूर भागेंगी। आजमाया हुआ है भैया, सही बोल रहा हूँ, अब करके देखना। ठीक है, बेफिक्र हो जाओ थोड़े से, ज्यादा बेहतर जो आपके अंदर है ना उसे आप बाहर निकाल पाओगे, 100% आप अपना दे पाओगे, अन्यथा जो चीजें आपके पास हैं उनसे भी आप कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं अभी। ठीक है, तो इस डर को निकालो दिमाग से, एक्स्ट्रा बर्डन को, और एकदम फ्री हो जाओ। चीजें आपके लिए, आप एकदम बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं आज के डेट में अपने उम्र के और जो आगे आपका पाथ है उसमें, तो इस समय का सही यूटिलाइजेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस समय किसी प्रकार का भटकाव आपको एक गलत दिशा की तरफ मोड़ सकता है, इसलिए उससे बचना आवश्यक है। शनि यहाँ पर फिर से रहस्यमय स्थिति में आपके लिए मौजूद है और इनका ऐसे मौजूद होना कतई भी बेहतर नहीं है। ठीक है, इनके बारे में बस यही कहूँगा कि क्रॉस चेक एक बार इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है।
वैसे इनके जो कुछ मुझे फल नज़र आ रहे हैं उसके बारे में प्राइवेटली जब आपसे बात होगी तो उसके बारे में बताऊंगा कुछ रेमेडी वगैरह। सन की बात करें, सन यहाँ पे चलो आपके लिए बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसी प्रकार का सपोर्ट ये आपके लिए कर रहा है। आप आंख बंद के जो आप करना चाहते हो सिविल सर्विसेज वगैरह की आपको करो, बेहतर सफलता की योग आपके लिए मौजूद है। बुध की स्थिति भी यहाँ पर सामान्य है। इसके अलावा हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा की स्थिति भी आपके लिए यहाँ पे बेहतर कार्य कर रही है, जैसी आपके लेफ्ट पाम में थी उसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पर अच्छी स्थिति में मौजूद है। इसके अलावा बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की, मस्तिष्क रेखा भी करंट की सिचुएशन में जो अभी आपकी एज है, इस एज में आपकी महत्वाकांक्षा को इस सही तरीके से डील नहीं कर पा रही है और आपको भटका रही है। अपने आप को संभालो, सही रास्ते पे आप रखो, भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा टमटम गाड़ी घोड़ा गाड़ी, ठीक है, उसमें देखा होगा एक घोड़ा बस रहता है जुता हुआ, ठीक है, उसके दोनों आंखों पे पट्टी बंधी होती है। क्यों बंधी होती है? क्योंकि जब सड़क पे चले तो दोनों तरफ घास वगैरह देख के उसकी तरफ मुड़ न जाए और पूरे रथ को ना उल्टा दे, ठीक है, इसलिए पट्टी बंधी होती है कि सीधा देखो जो तुम्हारा टारगेट है। तो आपने भी बस वही करनी है, सीधा बस उसी को देखो जो आपको प्राप्त करना है, ठीक है, इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं है निराश होके, बिकॉज घोड़े की दूसरी कहानी है, वो घास देख के होता है, हम निराशा में हो जाते हैं, हमें खुद पे कभी ना कभी लगता है कि नहीं पता नहीं हो पाएगा ही नहीं, ठीक, तो इन चीजों को दूर कर लो। वैसा क्या है जो हम नहीं कर सकते, मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया, ठीक है। बस एक प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाती है कि जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, ठीक है, जब लेकिन करना ऐसा चाहिए कि एक बूंद भी खून शरीर में जब तक बची हुई है ना, बस यही समझ लो जो कि विश्व विजेता तो भैया मैं ही हूँ, और ये भी रियलिटी भी है, ठीक है, आप ही हो, समझना पड़ेगा। इसके अलावा बात करेंगे आपके जीवन रेखा की स्थिति, दोनों में काफी अच्छी है, काफी अच्छी खासी एज मिली है आपको, बेहतर रहेगी, ठीक है, प्रशासनिक सेवाओं में तो आप निकल ही जाओ, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा बात करेंगे आपके दूसरे मंगल की स्थिति सामान्य है। शुक्र की तरफ से यहाँ भी आपके लिए बेहतर परिस्थितियाँ जन्म ले रही हैं और आपके सहयोग का कार्य कर रही है। मंगल भी यहाँ पे आपके लिए फिलहाल सपोर्टिव है। चंद्र की स्थिति फिर से यहाँ पे अत्यधिक परेशान करने वाली अवस्था में आपके लिए मौजूद है, रातों की नींद उड़ाने वाली, ठीक है, तो इस पे काम करना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है, ठीक है। आने वाले समय में विदेश यात्रा के अच्छे खासे हो गए, जॉब के रिलेटेड भी आप बाहर की तरफ जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें तो। इसके अलावा शुक्र की जो एक खास स्थिति यहाँ पे आपके लिए पनप रही है, ये आपके हक में नहीं जा रही है, आपको कहीं ना कहीं से नीचे की तरफ खींच के ले जा रही है, तो आपको वो जड़ और वो कमी ढूंढनी पड़ेगी जो कि आपको नीचे की तरफ झुका रही है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे आप खुद आइडेंटिफाई करके उसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। भाग्य रेखा की स्थिति यहाँ पे भी काफी अच्छी है, बस मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, ठीक है, मन से मत हारो, जो कि आप हार चुके हो उसे ठीक करो, चीजें सामने खड़ी है, आपको बस प्राप्त करने की देर है। देखो पैसे बहुत है, ठीक है, सच में बहुत है, बहुत कमाओगे पैसे, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी लाइफ में आपने, ठीक है, खाली घोड़ा बंगला जो भी चाहते हो सब मिलेगा, घोड़ा तो कोई चाहता नहीं, मतलब बोलने में आ जाता है ना, इसलिए बोल दिया मैंने, गाड़ी घर वगैरह जो भी है सब मिलेगी आपको, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली, ठीक है। भाग्य रेखा का भी अच्छा सहयोग आपको मिल रहा है, इवन कि टिल क्या उसे बोलते हैं, डेथ, तब तक मरने तक चीजें आपको मिलेगी। राजयोग की भी स्थिति आपके लिए यहाँ पे पनप रही है, दो दो राजयोग की स्थिति आपके जीवन में है, उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा, ठीक है। चलो बाकी सब तो ठीक ठाक ही है। आपकी मैरिज लाइफ में मुझे काफी चीजें अजीब मिल रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाम जाए तो मैरिज को कोई चांसेस ही नहीं बन रहे हैं, ठीक है, चलो आगे जानेंगे इसके बारे में, मिलते हैं फिर। कुछ सवाल हो आपके, कुछ या नहीं समझ में आया हो, कुछ और जानना हो तो आप व्हाट्सएप पे टाइम ले लेना कॉल की, ठीक है, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, रिकॉर्डिंग के थ्रू जान सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे भेज देना, आपको टाइम मिलते ही आपको जवाब दिया जाएगा जब टाइम दी जाएगी उस वक्त का, ठीक है। चलो जय श्री राधे।